हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बंसीधर फैशन पॉइंट। आज मैं आपको जैक F4 की एक सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो कि आप 50 की स्पीड पर मशीन को चला सकते हैं। मैंने ये वीडियो पहले भी अपलोड किया था, अगर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया है और उन्होंने कहा है कि वीडियो फेक है, तो मैंने सोचा कि इस बार उनको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जाए जिससे कि वह लोग भी इस सेटिंग का लाभ उठाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्लस और माइनस के दोनों बटन को क्लिक करके रखना है तो F आ जाएगा, F यानी फीचर्स मोड। उसके बाद हमको प्लस दबाना है, प्लस दबाने के बाद L आ जाएगा, L आने के बाद हमें माइनस दबाना है, माइनस के बाद 40 आ जाएगा, 40 आने के बाद हमें फिर माइनस दबाना है, 35 आ जाएगा। तो देखिए पाँच करके स्पीड कम होते जा रही है, 10 और ये हो गया 5, है ना, 5 आ गया है। अब हम इसको एक और बार दबाएंगे तो 50 आ गया। ये हो गई है हमारी 50 की स्पीड पर मशीन सेट। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करें, सबसे पहले हमें ये 50 को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमें प्लस दबाना पड़ेगा, तो ये ओके लिखा हुआ है। अगर ओके लिखा हुआ आ गया है तो आपकी मशीन 50 की स्पीड पर चलने लगेगी। तो आपको क्या करना है, धीरे से पायदान को दबाना है। तो आपने देखा ये राउंड हुआ, राउंड होने के बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, 35 आ रही है, 36, ये देखिए 40 आ गई है। अब 40 का 41, 42, 43, 45, 46, जैसे स्पीड देखते जाइए बढ़ते जा रही है। अब आ गया डायरेक्ट 50 पे, ये 50 की स्पीड चलेगी अब हमारी मशीन। आपको आवाज़ से समझ में आया होगा 50 की स्पीड चल रही है। देखिए किस प्रकार से मशीन 50 की स्पीड से चल रही है, इस चीज़ को देखिए वाइब्रेट, ये वाइब्रेट हो रहा है मशीन पर जो भी सारी चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है मशीन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन 50 की स्पीड पर चल सकती है। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक।